Hello everyone, this is Yash Raut, the founder of Change Equals Evolve. Today is our very first episode of the podcast journey. आज के podcast में हम ये देखेंगे कि कैसे चार दोस्त चार अलग कॉलेज में होने के बावजूद एक कंपनी बनाते हैं, they raise the funding and in today's date वो 50 lakhs plus का revenue generate करते हैं per year. I make sure कि आप ये podcast end तक देखें और इसे सीखें. अगर आपके पास इतना time नहीं है कि आप end तक नहीं देख पाए तो मेक श्योर कि हम एक दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर उसकी शॉर्ट स्निपेट्स क्लिप्स रहेंगी. मेक श्योर यू फॉलो दैट एंड ऑल्सो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड स्पॉटिफाई एज वेल. स्टे लिसनिंग एंड स्टे लर्निंग. थैंक यू. ओके, सो वेलकम बैक टू चेंज इक्वल्स इवॉल्व. आई एम यश राउत एंड टुडे वी हैव द फाउंडर ऑफ फूड वेस्ट कंपनी. So let me introduce him to you. He is the CEO of our company, and this company, what this company does is it provides you the best nutrition possible for tier 2 and tier 3 cities. So welcome you. Yeah, thanks a lot, Yash. सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि लाइक यू आर इन दिस पॉडकास्ट एंड लाइक आपने एक नया सीरीज चालू किया है जिससे कि लाइक वी कैन हेल्प लाइक स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो भी लाइक अलग कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं. राइट. सो या ग्रेट इनिशिएटिव. So please tell us more about your company. Yes. तो सबसे पहले foodwaste.com एक अभी बहुत इनिशियल फेज़ में है. सो अभी तक हमने लॉन्च पैड एक अच्छा लाइक क्रिएट करके रखा है. सो व्हाट वी डू, तो foodwaste.com एक न्यूट्रिशन का क्यूरेटेड मार्केट प्लेस है. okay. जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट इनिशियल, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक फूड और आयुर्वेदा फूड, ये सभी प्रोडक्ट्स हम लाइक बेचते हैं. तो प्रॉब्लम होता क्या है कि टीयर 3 टीयर 4 सिटीज जो होती है यहाँ पे लोगों को लाइक वो अनडिसाइडेड रहता है. उन्हें लाइक एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल है या फिर नहीं है. सपोज आपने अभी जिम या फिर आप कहीं जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेनर्स लाइक लोगों को लिटरली सजेस्ट करते हैं कि भाई प्रोटीन मत खा तेरी किडनी खराब होगी. ये अभी भी चीज़ें लाइक इन लाइक रीजन्स में चलती है. तो उनके लिए हमने एक क्यूरेटेड ऑप्शन हमारे मार्केट प्लेस पे दिया है कि लोग आए हमारे साथ लाइव असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें. okay. और हमारे एक्सपर्ट फिर उन्हें उनके हेल्थ कंसर्न जानेंगे, उनके फिटनेस कंसर्न जानेंगे और उन्हीं के हिसाब से जो प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट रहेगा तो वो उन्हें सजेस्ट करेंगे. सो इन दिस वे वी आर हेल्पिंग लाइक पीपल टू स्विच टू हेल्दी लाइफ स्टाइल स्पेशली फ्रॉम टीयर 3 टीयर 4 सिटीज. ओके, टीयर 3 टीयर 4 सिटीज. राइट. ओके ओके, सो द टारगेट मार्केट ऑडियंस इज टीयर 3 टीयर 4 सिटीज. राइट राइट राइट. ओके, एंड व्हाट अबाउट योर कंपनी, लाइक कंपनी साइज, कंपनी पीपल एंड ऑल? यस, कैन यू जस्ट गिव अ ब्रीफ. तो स्टार्ट हमने लाइक चार लोगों से ही किया था, सुमेध, राज, वैभव और मैंने. तो अभी हमारी टीम लाइक 7+ लोगों की हो गई है जिसमें कि इंटर्न्स मेरे कॉलेज से NIT नागपुर या फिर पुणे से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इंटर्नशिप करते हैं. तो अभी तक लाइक 6-7 लोगों की हमारी टीम है और लगभग हमें करते करते 1.5 साल अभी हो चुका है. तो इसका काम बेसिकली हमने तो लाइक 2 साल पहले जब कोविड था तभी से हमने स्टार्ट कर दिया था. लाइक आई वॉज परस्यूइंग वन ऑफ माय इंटर्नशिप इन दिस सेगमेंट, ई कॉमर्स में मैं परस्यू कर रहा था. तो थोड़ा हम इधर न्यूट्रिशन साइड आए, थोड़ा एक्सप्लोर किया, धीरे धीरे हमें लाइक पता चला कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर लूप होल्स है. सो अकॉर्डिंगली हमने लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हमने स्पॉट आउट किए कि यहाँ यहाँ पर लूप होल्स है. तो उसके अराउंड हमने धीरे धीरे लाइक चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट करी. तो शुरुआत एकदम बेसिक से हमने करी थी कि हमने लाइक ऑनलाइन बेचना चालू किया जस्ट ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए कि स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स ऑनलाइन बेचना जैसे चालू किया हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट. तो इन चीज़ों से हमें पता चला कि ई कॉमर्स रन कैसे करता है, चीज़ें सोर्स कहाँ से की जाती है. तो धीरे धीरे हम करते गए. तो हमने फुल फ्लेज हमारा मार्केट प्लेस 8-9 महीने पहले लॉन्च कर दिया है. तो काफ़ी लाइक वी हैव रिसीव्ड ग्रेट रिस्पॉन्स. तो लोगों को हेल्प हो रही है, हमें भी लाइक काफ़ी सेटिस्फाइंग ये चीज़ होती है कि लोगों को हेल्प होती है, वो अच्छे अच्छे फीडबैक्स हमें देते हैं. सो या इन दिस वे लाइक अभी तक हमारी जर्नी अभी तक रही है. ओके, सो लाइक सबसे पहला प्लान क्या होता है, लाइक डू यू स्पॉट लूप होल, क्या आप एक प्रॉब्लम स्पॉट करते हो फिर आप एक कंपनी बनाना चाहते हो, या फिर एक नॉर्मल बच्चे ने ये सोचना चाहिए कि नहीं मुझे कंपनी बनानी है फिर वो प्रॉब्लम ढूंढने जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम ढूंढेगा फिर सॉल्व करेगा, या नहीं यू फर्स्ट नीड टू गेट इनटू अ प्रॉब्लम और फिर उसके बाद सोचो कि ये प्रॉब्लम मास लोगों को होती है और फिर शायद तुम उसको कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो? या गॉट इट. तो सबसे पहले यार प्रॉब्लम स्पॉट होना इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लोग लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका होता है लाइक अपन को पता है कि लाइक चीज़ें इंजीनियर कैसी करी जाती है, लेकिन हमें लाइक मार्केट रिसर्च क्या होता है, कस्टमर की नीड क्या है, इसका हमें लाइक ज़्यादा पता नहीं होता. राइट. सो इंजीनियर्स आर ग्रेट एट लाइक क्रिएटिंग टेक,
अपन अच्छा प्रोडक्ट पूरा परफेक्ट बना लेंगे, उसमें 10-12 चीज़ें अपन टेक्नोलॉजी की हार्डवेयर डालेंगे, उसमें AI डालेंगे, उसमें ML सब डाल देंगे, लेकिन लाइक सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो लाइक कस्टमर की नीड है मार्केट में, लाइक एग्जैक्टली नीड किस चीज़ की है। तो सबसे पहले अगर ये स्पॉट आउट हो तो इसके लिए कस्टमर से डायरेक्ट जाके बात करना, लोगों से बात करना, या फिर मिलना, गूगल फॉर्म्स से सर्वे कराना, लाइक जो इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा पड़ा है उस ट्रेंड्स को जानना, तो इन चीज़ों से हमें धीरे धीरे पता चलता है कि लाइक व्हाट इज़ द नीड। तो लाइक प्रॉब्लम जैसे जैसे स्पॉट होता है तो उसके अराउंड लोगों से बात करके धीरे धीरे ये प्रोसेस लाइक रहता है। सो हमारे केस में भी ऐसे ही हुआ कि हमने देखा कोविड में लाइक डेथ्स वगैरह हो रही थी लोगों की, तो डेथ्स ज़्यादा उन लोगों की हो रही थी जिन्हें थोड़े बहुत हेल्थ कंसर्न्स एडिशनली थे, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी। तो हमने देखा कि यार ये हो क्यों रहा है ना, कि बाकी हेल्थ कंसर्न्स लोग इतने अपने इंडियन डाइट में बिंदास मीठा खा लेते हैं या फिर जो भी चीज़ें सामने आ रही है बिंदास खा लेते हैं, तो हमें फिर फिगर आउट हुआ कि यार ये चीज़ है। तो लाइक इंडिया में माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है ना, कि टीयर वन सिटीज़ के लोग तो जागरूक होते हैं, लाइक उन्हें ट्रेनर्स या फिर न्यूट्रिशनिस्ट उनके अच्छे रहते हैं, डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे अपन आते हैं लाइक भारत में जैसे आते हैं तो वहाँ पर माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो लाइक ऐसे हमें प्रॉब्लम स्पॉट हुआ था, फिर हमने लोगों से बात करी, थोड़ा एक्सप्लोर किया इंडस्ट्री, ऑनलाइन वगैरह देखा, तो उस हिसाब से हम करते गए। सो या प्रॉब्लम इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर प्रॉब्लम स्पॉट हो तो भी उसके अराउंड अपन चीज़ें लाइक कर सकते हैं, पर लाइक सॉल्यूशन के नीड में प्रॉब्लम ढूंढना इज नॉट अ ग्रेट वे, है ना। हाँ, ठीक है, right. मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम स्पॉट होना चाहिए। राइट राइट, ओके। सो अगर एक किसी ने प्रॉब्लम स्पॉट कर ली, यस, उसने मार्केट रिसर्च कर लिया, yes. उसको पता चल गया कि हाँ कहीं कहीं तो लूप होल है जो yes, मैं फिट इन कर, जहाँ मैं फिट इन कर सकता हूँ, yes. मैं किसी को मतलब लाइक ऐसा तो नहीं है कि किसी की टेबल पर से सीट निकल रहा हूँ, बस मैं मेरे को खुद को पोजीशन कर सकता हूँ वहाँ पर उस जगह पर। सो मैंने वो लूप होल ढूंढ लिया कि यहाँ पर मैं खुद को पोजीशन कर सकता हूँ, राइट। सो ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या, मतलब अभी तो ठीक है थोड़ा मैंने आपका केस थोड़ा रिसर्च किया, तो सो यू हैड फ्रेंड्स लाइक जो एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे या उनको पसंद था, yes. या शायद आपने उनको समझाया सही से कि अपन ने ये करना चाहिए, yes, yes. इसलिए आप लोगों ने किया, yes. बट अगर एक सोलो बंदा है, ठीक है उसके दोस्त है सब है सब है, बट ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग नहीं है, या फिर सारे दोस्त मतलब अच्छे है बट दे आर सर्चिंग फॉर जॉब इंस्टेड ऑफ मेकिंग और क्रिएटिंग जॉब्स, राइट राइट। सो फिर उस केस में वो लड़का क्या करे, लड़का लड़की क्या करे? या गॉट इट। तो प्रॉब्लम जैसे ही अपने को स्पॉट होता है तो उसकी जस्ट बाद जो इनिशियल स्टेप होती है वो होती है लाइक एग्जीक्यूशन करने की, एक्शन लेने की। तो ये स्टेप लाइक ज़्यादा लोग लेते नहीं है ना, कि अपन क्लास में देखते हैं कि दिमाग में हजारों आइडियाज़ अपने आते हैं, लाइक प्रॉब्लम भी जेन्यून होते हैं, हज़ार में से एक दो प्रॉब्लम तो लाइक जेन्यून होते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो इनिशियल स्टेप अपन क्या लेते हैं, है ना। तो लोग लाइक डरते हैं कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर टीम चाहिए या फिर रिसोर्सेज चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि ये किसी भी चीज़ों की अपने को लाइक स्टार्टिंग में ज़रूरत होती नहीं है, ओके। हाँ, जो अपना इनिशियल स्टेप रहता है, तो लाइक सबसे पहले अपने को क्या करना है कि सपोज कोई प्रॉब्लम स्पॉट हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए एक MVP अपन जिसे बोलते हैं, जैसे मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, कि बेसिक एक लाइक लैंडिंग पेज हो गया या फिर गूगल फॉर्म या फिर स्प्रेडशीट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, तो यही से लाइक चीज़ें स्टार्ट होती है। सपोज कोई आइडिया मेरे दिमाग में आती है कि कॉलेज स्टूडेंट को मैं कॉलेजेस की रैंकिंग या फिर कॉलेज सिलेक्शन में मैं हेल्प करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी इनिशियल स्टेप होनी चाहिए कि आप इंस्टाग्राम पेज बनाएं, ओके, कि एक प्रेजेंस कुछ ना कुछ तो आपको लाइक बनाना है, ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट। तो पहली स्टेप लाइक वो होती है कि अपन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अपने को बनाना है जिससे भी कस्टमर लाइक ट्राई कर सके। पहली स्टेप जो लेनी होती है, मैं लाइक कॉलेज स्टूडेंट का लाइक एग्जांपल दे रहा था कि कॉलेज लाइक रिजल्ट लगते हैं एंट्रेंस एग्जाम के, तब लाइक लोगों को कॉलेज ढूंढने में या फिर चूज करने में लाइक दिक्कत होती है, लाइक प्रॉब्लम है सबको पता है, right. तो इसके लिए लाइक स्टेप कोई लेता नहीं है ना सच, तो उसके लिए पहली स्टेप जो लेनी चाहिए लाइक टू क्रिएट इंस्टाग्राम पेज या फिर कुछ गूगल फॉर्म फेसबुक ग्रुप पे या फिर बाकी जगह पे, या फिर अपन एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें जहाँ से लाइक लोगों को डायरेक्टली अपन काउंसिल करें। तो इस टाइप का पहला स्टेप लेना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। सपोज आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, कोई प्रॉब्लम के अराउंड आपके दिमाग में अच्छा आइडिया है, तो यू शुड लाइक गो फॉर डोमेन, आप लाइक डोमेन उसका खरीद लो। जब लाइक आप डोमेन खरीद लोगे तभी आप आगे का लाइक स्टेप सोचोगे कि भाई मैं इसमें अब क्या फीचर लाऊं, ओके, है ना। डोमेन 500-600 रुपये में मिल जाता है, तो सबसे पहले लाइक वो करो डोमेन या फिर बेसिक इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल उसके अराउंड, लाइक दिस शुड बी क्रिएटेड।
तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लक्स अपने को आता है कि भाई आगे की स्टेप अभी ये करनी है कि मैंने अभी डोमेन बनाया है तो इसमें ये फीचर लाना है, यूट्यूब चैनल बनाया है तो इस पर ये कॉन्टेंट मुझे पोस्ट करना है, या फिर इंस्टा मैंने किया है तो इस पर ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे प्लान करनी है. तभी लाइक वन एक एक स्टेप जिसे बोलते हैं तो वो अपन लेते जाते हैं. सो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए इनिशियल स्टेप आपका इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि प्रॉब्लम के अराउंड कुछ बेसिक MVP अपना रहे. अच्छा यस ओके. सो बेसिक प्रेजेंस सबसे पहले बनाना है. राइट बेसिक प्रेजेंस तुमने बना लिया कि फिर उसके बाद तो चीज़ें खुलती जाएंगी अपने आप. राइट अपने आप भी नहीं काम करना ही पड़ेगा बट एक बेसिक अगर तुमने इतना भी स्टार्ट कर लिया तो तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि सच में डूएबल है कि नहीं. यस और फिर तुम किसी और में भी वो विजन प्लांट कर सकते हो थ्रू दीज सोर्सेस. राइट लाइक ऑन द वे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हो. अभी वेबसाइट का डोमेन आपने खरीद लिया तब लाइक आप धीरे धीरे डेवलपमेंट भी सीखोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे वर्डप्रेस पे कैसे डेवलप होती है या फिर शॉपिफाई आप यूज करोगे. तो आप एक एक टूल सीखते जाओगे और ऑन द वे ज़्यादा चीज़ें आप सीखते जाओगे. तो इनिशियल स्टेप का लाइक ये फायदा होता है कि एक बार कदम ले लिया आगे तो लाइक आगे अपन चलते रहते हैं. राइट यस. अभी आपने इंटर्नशिप भी करी. यस एंड आपने इंटर्न्स को हायर भी किया. यस सबसे पहले तो व्हाट इज बेटर, किसी के पास काम करना या खुद किसी को काम देना? या ये बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि मतलब उन्होंने जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए. यस फिर हार्डशिप तो दोनों में. यस तुम लोग अक्सर ये समझते कि अगर मतलब जॉब को ये समझते कि दैट इज 9 to 5. यस पर जॉब 9 to 5 नहीं होता. राइट जॉब भी टाइम एक्सक्लूसिव नहीं होता. तुमको बहुत टाइम देना पड़ता है जॉब के लिए. कंटिन्यूसली तुमको गिवन प्रोजेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है. राइट एंड अगर तुमको बिजनेस करना है फिर तो 9 to 5 और वो कुछ नहीं होता. वो 9 to 9 या फिर पूरा 24 आवर्स उसके अंदर बिजी होना पड़ता है. राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेटर है? अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, तुम्हारे पास उतना स्टडी मटेरियल तुमने कलेक्ट किया है, गैदर किया है, इन्फॉर्मेशन तुमने खुद को दी है और अभी तुम दोनों डोमेन में जा सकते हो, सो व्हाट शुड यू चूज? ओके तो यार कॉर्पोरेट का तो एज सच हमें लाइक एक्सपीरियंस नहीं है. हमने लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज चालू किया था. तो इंटर्नशिप का 6-7 महीने का मेरा फेज लाइक बेसिक था. एक दो इंटर्नशिप मैंने फर्स्ट ईयर में करके रखी थी और वो भी लाइक ऑनलाइन ही थी. तब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन इंटर्नशिप हमारी थी. तो लाइक सीखने के लिए मैंने लाइक वो एक्सप्लोर की थी. तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक इनिशियल आपका कॉलेज का पहला ईयर या सेकेंड ईयर आपका होता है तो आप चीज़ें सीखने के लिए लाइक इंटर्न करो या फिर किसी के साथ काम जरूर करो. वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक पता चलेगी कि काम होता कैसे है. तो इन दिस वे लाइक यू शुड एक्सप्लोर लाइक इंटर्नशिप हो या ऐसे कोई मतलब लोग लाइक डरते हैं कि मैं इंटर्नशिप मैं क्यों करूँ, मैं जॉब क्यों कॉर्पोरेट जॉब क्यों करूँ. इसे लाइक लोग ये करते हैं अभी लाइक ट्रेंड आया है कि ऐसे ऐसे करते हैं. सो ये ऐसा लाइक चीज़ें कुछ होती नहीं है. सो आपके लाइक विजन के लिए या फिर आपका मिशन है लाइक जो आपके लाइफ गोल्स है उसके हिसाब से जो चीज़ें आपको सही लग रही है सो यू शुड एक्सप्लोर एंड अकॉर्डिंगली यू शुड एक्ट. तो अच्छा यस सो तो मतलब सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को ये बोलना है कि सबसे पहले तुम प्रॉब्लम ढूंढो. अगर प्रॉब्लम मिलता है तो थोड़ा एक बेसिक प्रेजेंस बनाओ. राइट थोड़ा एक्ट करके देखो. अगर सच में डूएबल है तो परस्यू करो. नहीं मतलब डायरेक्ट ये मत करो कि मुझे बिजनेस करना है या ये करना है ये करना है. पहले प्रॉब्लम ढूंढो. अगर कॉलेज में हो तो तब तक प्रॉब्लम ढूंढो. 4 साल है तुम्हारे पास. राइट तब तक इंटर्नशिप कर लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट अच्छा तो लाइक मोस्ट ऑफ दी लाइक जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ फाउंडर्स वगैरह तो इनका लाइक एक्सपीरियंस रहता है कि थोड़ा कॉलेज से लाइक एक दो साल 2-3 साल लोगों ने कॉर्पोरेट में अच्छा किया होता है कि कंसल्टिंग फर्म के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया होता है या फिर IT इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्री से लोग काम करते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं और धीरे धीरे फिर लाइक इधर स्टार्टअप जैसे उन्हें प्रॉब्लम लाइक स्पॉट होता है अकॉर्डिंगली वो स्विच हो जाते हैं स्टार्ट. तो लाइक कॉर्पोरेट दोनों जगह पे सीखने के लिए बहुत कुछ है. लाइक इट डिपेंड्स ऑन अस. राइट सो लाइक इन योर स्टोरी अभी तुमको प्रॉब्लम कहाँ से मिला? लाइक तुमने कोविड में ठीक है तुमने ये तो स्पॉट कर लिया कि ये इशू है बट ये कंक्लूजन पर तुम कैसे आए कि हमको एक ई कॉमर्स साइट बनानी है जो न्यूट्रिशन पे फोकस करती है प्लस ऑल्सो न्यूट्रिशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है Tier 3, Tier 4 सिटीज के लिए. राइट तो यस इसके लिए हमने लाइक ऑनलाइन ऑप्शंस देखे कि लोगों के पास करंटली अभी ऑप्शंस है क्या. तो उसका एक डिटेल हमने रिसर्च सर्वे या फिर ऐसे करा तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू या फिर अलग अलग जगह से हमने लाइक लोगों के पास रिस्पॉन्स कलेक्ट किया कि अभी वो यूज करंटली क्या करते हैं. तो लोग लाइक बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ खरीदना है सीधा सीधा मैं अमेजोन पे जाता हूँ. बेस्ट सेलर में जो चीज़ें आ रही है सीधा सीधा मैं वो खरीद ले रहा हूँ.
तो हमें पता चला कि यार जो दिख रहा है या फिर जो चीज़ स्पॉन्सर्ड हो रही है या फिर क्रिएटर जो लाइक बता रहा है लाइक वो पेड स्पॉन्सरशिप रहती है तो क्रिएटर बता देते कि ऐसे ऐसे करो, तो उनके इन्फ्लुएंस में आके लोग ये सीधा सीधा खरीद ले रहे हैं। तो लाइक सबसे पहले तो हमें पता चला कि मासेस तक अगर पहुंचना है टीयर 4 टीयर 3 यहाँ पे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव हो रहा है, राइट कि लोग देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ऑनलाइन जाते हैं, वॉच खरीदना है, शर्ट खरीदना है या फिर सप्लीमेंट, सभी चीज़ें लाइक लोग ऑनलाइन ही अभी देखते हैं। तो हमने लाइक ई कॉमर्स का पावर तो हमने पता चला थोड़ा कि है इसमें, या फिर टीयर 3 टीयर 4 टैप आराम से ई कॉमर्स से ही हो सकता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा इंसाइट मिला। तो लाइक वो हमने इंडस्ट्री पकड़ी, और जैसे कि मैंने बोला कि लोग अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट या अभी करंट मार्केट प्लेसेस पे जो स्पॉन्सर चीज़ें दिख रही है तो सीधा सीधा लोग खरीद लेते हैं। तो हमने लाइक सोचा कि यार अपन क्यों ना एक ऐसा ऑप्शन दे कि जैसे कस्टमर लैंड हो वेबसाइट पे या फिर प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे सीधा सीधा सिंपल स्टेप एक दे कि एक क्लिक में वो सीधा एक्सपर्ट के साथ जुड़े। तो वी फोकस ऑन दैट। तो अभी हमने वेबसाइट पे जो फीचर स्टार्टिंग से प्रोवाइड करे कि जैसे ही कस्टमर लैंड फूड वेज पे होता है या फिर कोई चीज़ सर करता है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, तो सपोज वो वेबसाइट पे हमारे आता है तो सबसे पहले उसे दिखता है कि वी आर हियर टू हेल्प यू, आवर एक्सपर्ट विल हेल्प यू। तो उसे दिखता है कि यार कोई अपने को यहाँ पे हेल्प करने के लिए है, तो वो आते हैं क्लिक करते हैं और लाइक हमारे साथ उनकी मीटिंग शेड्यूल होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपर्ट जाते हैं और उनके स्लॉट में उन्हें आराम से गाइड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें करो या फिर ये आपकी डाइट रखो। अच्छा, सो यस, तो इन दिस वे तो हमने लाइक ऑब्जर्व की चीज़ें और धीरे धीरे लाइक स्पॉट आउट किया। सो बस टीयर 3 टीयर 4 क्यों अभी स्टार्टिंग में? यस, व्हाई नॉट टीयर 1 टीयर 2? यस, मतलब अगर लाइक वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत कम है शायद टीयर 3 टीयर 4 में, पर वहाँ पर थोड़ा मनी इशू भी होता है लोगों को। राइट राइट, तो इसीलिए फिर वो भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि मैं लूँ नहीं लूँ। राइट राइट, पर टीयर 1 में ये एक एडवांटेज है कि मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर किसी को चाहिए, किसी को सप्लीमेंट खरीदना है, यस, तो वो खरीदेगा। Yes. पर फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि तुमको कंपनीज के साथ कम्पीट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी एक स्टैंड अलोन पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। राइट, सो व्हाई नॉट टीयर 1 टीयर 2, क्यों टीयर 3 टीयर 4? यस, तो सबसे पहले लाइक टीयर 1 की जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे पहले एजुकेटेड होती है कि लाइक उन्हें पता है कि भाई न्यूट्रिशन कंपोजिशन क्या होता है, कार्ब्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लाइक उन्हें डायबिटीज़ वगैरह ये चीज़ें उन लोगों को होती है, तो लाइक डॉक्टर भी उन्हें बता देते कि भाई तुम्हारी डाइट ऐसे ऐसे रखो, या फिर वो पर्सनल उनके न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं या फिर जिम में भी उनके फिटनेस ट्रेनर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट का उन्हें आराम से एक्सेस मिलता है। तो वही अगर अपन नीचे जाए टीयर 3 टीयर 4 में जाए तो इन लोगों को कोई ऐसे एज सच पॉइंट है ही नहीं। ये लोग पहले चीज़ तो डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब लाइक कुछ उन्हें होगा, सीरियस प्रॉब्लम जब होता है, लाइक वो इग्नोर करेंगे, हेल्थ कंसर्न अपना करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब वो लाइक कोई सीरियस प्रॉब्लम बनता है तभी वो डॉक्टर के पास सीधा सीधा जाते हैं। तो यहाँ पे लाइक प्रिकॉशन वाला चीज़ है ही नहीं, है ना, प्रिकॉशन लोगों को वाला चीज़ नहीं। राइट, तो इसीलिए लाइक हम सेगमेंट वो टारगेट करते कि यहाँ पे लाइक लोगों को पहले ही अपन लाइक बता दे कि भाई ये चीज़ें मत करो, ये डाइट रखो, आपको ये बड़ी प्रॉब्लम से हम बचाएंगे। सो यस, ओके, सो क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस देना है, मतलब यस, सेलिंग प्लेटफॉर्म तो है अपना बट यस यस, क्लाइंट रिलेशन ज़्यादा मेंटेन करना है थ्रू कंसल्टेंसी। राइट राइट, कि कस्टमर को चाहिए होता है कि अपने को जो चीज़ मिल रही है उसके साथ एडिशनल और कोई चीज़ मिले, लाइक कस्टमर जितना एक्सपेक्ट अपने से करता है तो उससे अगर अपन थोड़ी चीज़ उन्हें ज़्यादा दे तो कस्टमर हैप्पी रहते हैं, लॉयल रहते हैं। सो लाइक वी ट्राई टू गिव देम मोर देन दैट, लाइक जो हम उनसे खरीद रहे हैं तो उससे हम ज़्यादा उन्हें प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। उन्हें हम पोस्ट सेल सर्विस लाइक सपोज सप्लीमेंट कोई हमसे खरीद रहा है, वे प्रोटीन कोई खरीद रहा है, तो उस पर हमने एक यूनिक QR टाइप की चीज़ उस पर इंक्लूड की है कि वहाँ पर लोग आते हैं, स्कैन करते हैं और वहाँ पर अपना फीडबैक डालते कि मुझे ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं या फिर मुझे चेंजेस नहीं आ रहे, मैं इसे कैसे कंज्यूम करूँ, तो एक पोस्ट सेल सर्विस भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें देते हैं। तो ये हो गई कंपनी। Yes. अब सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि लाइक व्हाट इज द डे इन लाइफ ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर सीईओ। यस यस, तो मैंने जैसे बताया कि डे प्लान हमारा रहता है, जैसे भी कोई लाइक स्पोर्ट्समैन या फिर UPSC एस्पिरेंट हो, CA एस्पिरेंट हो, इनकी तरह ही लाइक प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम चलते हैं। थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लाइक सुबह उठ के थोड़ा वर्क पे देखना या फिर मेडिटेशन होने के बाद थोड़ा काम देखना, उसके बाद जनरल कॉलेज, कॉलेज ख़त्म होने के बाद कॉलेज का, क्योंकि अटेंडेंस का क्राइटेरिया हर एक इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, हमारे इसमें तो है थोड़ा 75% का, तो वो भी एक मेंटेन करनी होती है। राइट, तो वो ख़त्म करके फिर थोड़ा एकेडमिक्स कुछ है वो आपका लोड वही कॉलेज में निपटा के आके फिर घर आने के बाद थोड़ा फ्रेश होके जिम विम करके फिर से हम लाइक काम को बैठते हैं। तो इसके लिए लाइक हमने 5-6 घंटे डेडिकेटेडली रखे हमारे शेड्यूल में से,
तो वो 5-6 घंटे का स्पीड भी हमने अच्छे से करके रखा है कि मैं 1 घंटा ग्रोथ कंपनी के ग्रोथ पे ही सोचूंगा, या फिर मैं अगले वाला 1 घंटा हम मार्केटिंग पे ही डिस्कस करेंगे, या फिर आधा घंटा हम ऑपरेशंस पे लाइक देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है, ऑर्डर पिकअप हो रही है नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है जनरल। तो इन दिस वे लाइक प्लान, थोड़ा प्लान करके हम लाइक चीज़ें चलते हैं। एंड ऑफ द डे कितना, 10-11 बजे? हाँ लाइक 12-1 बजे तक हो जाता है लगभग सभी काम। ओके 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 यस। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट ने अभी स्टार्ट किया, यस, ये शेड्यूल अगर उसने फॉलो किया, यस, नॉट अ गारंटी कि उसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, बट ही विल बी एट अ बेटर प्लेस इन लाइफ। राइट राइट। पहले से तो बहुत अच्छी जगह पर होगा अगर उसने ऐसा कुछ शेड्यूल फॉलो किया डिसिप्लिन वाला, राइट, जिसके अंदर वो डेडिकेटेडली टाइम अपने आर्ट पे भी दे रहा है, साथ में कॉलेज पे भी दे रहा है। राइट राइट। लाइक जैसे भी आप प्लान, लाइक सबसे पहले जब प्लान करके अगर दिन आप चलोगे, आप देखोगे कि कोई भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई भी फील्ड का, इनका डे अच्छे से प्लान होता है। तो डे प्लान करने से अपन लाइक इधर उधर भटकते नहीं है, उसी को स्टिक रह के धीरे धीरे अपन इंप्रूव करते हैं। और लाइक अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आप लाइक करोगे, हम तो अभी इनिशियल स्टेज में है, तो हमें इतना सारा कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, इतनी सारी स्किल आपके पास आ जाएगी कि जो नॉर्मल अपने साथ जो बंदे इनके पास लाइक रहते नहीं है। आप लाइक स्किल्स में थोड़ा उनसे ज़्यादा स्किलफुल रहोगे, आपके नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, आपको बहुत लाइक स्टार्टअप आप इवेंट्स में जाओगे, वहाँ पर आपके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनेंगे, लाइक आपको भी लोग जानेंगे, इससे नेटवर्क्स उनके साथ अच्छे रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में लाइक मिलती है। 1-2 साल का ग्राइंड आपका कॉलेज में अगर रहता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती है। और कॉलेज भी सपोर्ट करता है ना आपको इस चीज़ में? राइट राइट। अभी मतलब IIT NITs में का अच्छा कल्चर है कि वहाँ पे स्टार्टअप या फिर फाउंडर इन लोगों को सपोर्ट वो करते हैं, इसीलिए वहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम बना है कि स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज लाइक लोग ट्राई करते हैं और वहाँ से अच्छे अच्छे स्टार्टअप लाइक आ भी रहे हैं। ओके। सो एक अच्छा अलुमनी नेटवर्क के कारण लाइक वो लोग सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप वगैरह को। सो क्या प्रोसेस है, मतलब कॉलेज को तुमको पिच करना होता है कि ये मेरा आइडिया है, या फिर मतलब प्रोसेस क्या होता है कॉलेज में? कोई सेल होता है जहाँ पर तुम जाकर बोलो? यस यस। तो लाइक एज सच प्रोसेस लाइक कॉलेज का तो कोई होता नहीं है, तो अपने कोई लाइक जाना होता है सेल्स कॉलेज में, हर एक रहता है एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है, उन लोगों के साथ आप बात करो कि मैं इसी से आइडिया पे काम कर रहा हूँ, तो वो लोग आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। कोई भी अगर एक्टिव ECL कॉलेज का रहता है तो वो लोग काफ़ी अच्छे से अपने को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक वो नेटवर्क आपको प्रोवाइड करेंगे, या फिर कोई भी हेल्प आपको जनरल लगती है स्टार्टअप से रिलेटेड, तो ECL सबसे पहले एक अच्छा सोर्स होता है। तो हमारे कॉलेज का थैंकफुली काफ़ी एक्टिव ECL है, ECL Vanity। ओके। तो वहाँ से काफ़ी लाइक हमें मुझे हेल्प मिली है, हमारे इनिशियल डेज थे तो काफ़ी हमें हेल्प लाइक ECL Vanity से मिली है। उसके बाद आपका अलुमना नेटवर्क रहता है कि एक अपने कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि एक कॉलेज के अलुमनी डिस्टिंग्विश अलुमनी है या फिर, तो सभी लोगों का अलुमनी नेटवर्क अगर आप अच्छे से छानोगे तो वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे कि ये बंदा इसी कंपनी में CEO है, या फिर मैं ई-कॉमर्स में देख रहा हूँ तो मैं ई-कॉमर्स में देखता हूँ कि कौन कौन लोग अच्छा अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं या फिर अच्छे अच्छे लाइक पोजिशंस पे है, तो हम जाके लिंक्डइन से उन्हें कनेक्ट करते हैं, उन्हें लाइक नंबर एक्सचेंज करते हैं, बात उनसे गाइडेंस हम अच्छे से फिर लेते हैं। सो इन दिस वे मैं सजेस्ट करूँगा कि कॉलेज का ECL और अलुमनी नेटवर्क आप अच्छे से यूज़ करो। ओके। कॉलेज मतलब वहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद आता है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि अलुमनी तुमको एक अच्छा गाइडेंस दे और साथ में कॉलेज तुमको अपॉर्चुनिटी भी देगा कहीं और प्रेजेंट करने की या फिर कुछ। राइट राइट। एक ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट मिलेगा अगर तुम इंडिविजुअली बाहर से किसी स्टार्ट करते हो, तुमको कुछ सपोर्ट नहीं, तो फिर वहाँ जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज वाला। राइट राइट। तो कॉलेज में लाइक सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको रहते नहीं है, आप हॉस्टल में रहते हो या फिर घर वालों का पैसा रहता है, आप कोई मतलब एक्सटर्नल फंडिंग गैदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको कॉलेज में इंटरनेट मिल रहा है या फिर जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है या फिर लैब आपको एक्सेसिबल है, तो कॉलेज इज़ लाइक बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। सो या यू कैन लाइक यू शुड एक्सप्लोर, कॉलेज में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। लोग कॉलेज को लाइक गाली देते हैं कि भाई मेरा कॉलेज बकवास है, कुछ मुझे दे नहीं रहा है, या फिर एकेडमिक्स ऐसा है, तो लाइक एकेडमिक्स को अगर अपन छोड़ दे तो अगर हम खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करें तो सभी चीज़ें अपने को कॉलेज में मिल जाएगी, बस हाथ पैर अपने को मारने होते हैं। लाइक कॉलेज अपने सामने आएगा नहीं कि भाई ये चीज़ ले ये कर, तो अपने को लाइक हाथ पैर मारने पड़ेंगे उसके लिए, तो कॉलेज इज द बेस्ट थिंग। एंड अगर किस मतलब अगर अभी कॉलेज ने हमको सपोर्ट कर दिया, यस, शायद कॉलेज भी एक इनिशियल फंडिंग देता है ना तुमको, एक छोटी सी एक इनिशियल फंडिंग देता है शायद कॉलेज ऑफिस। हाँ लाइक कुछ कॉलेजेस में रहता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं रहता है,
लाइक कॉलेज की इंक्यूबेशन सेंटर अगर रहता है तो कॉलेज आपको ऑफिस स्पेस या फिर लीगल हेल्प इन चीज़ों में आपकी अच्छे से हेल्प करेगा और कुछ बेसिक फंड भी आपको कॉलेज दे देगा, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रहता है अगर अच्छा आपका कॉलेज हो तो. ओके, बट अगर मुझे अभी एक्सपांड करना है, लाइक आई वांट टू गो बिग. यस यस, अभी एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत है. यस, सो क्या करना चाहिए, मतलब तुमने सीधा जाकर किसी वीसी से कनेक्ट करना चाहिए या फिर तुम पहले गवर्नमेंट स्कीम्स में जाओ वहाँ अप्लाई करो, लाइक व्हाट इज द थिंग? तो लाइक एमयूपी अगर अपन बना ले उस पर थोड़ा अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, अपन को समझ रहा है कि नहीं ये चीज़ काम कर सकती है. तो इसे अपन और सॉलिडिफाई अपने को इस चीज़ को करना है. तो सबसे पहले जो स्टेप रहेगी वो रहेगा कि अपन जाके अपना स्टार्टअप कहीं इंक्यूबेट कराए. लाइक गवर्नमेंट्स या फिर कॉलेज इंक्यूबेटर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से वो लोग नरिश आपको करेंगे कि आपको सभी टाइप की जो चीज़ें इनिशियल डेज में लगती है, आपको थोड़े बहुत पैसे हो गए या फिर लीगल हेल्प या फिर नेटवर्क्स, ये सभी चीज़ें इंक्यूबेटर आपको अच्छे से प्रोवाइड करता है. और वो भी लाइक एनजीओ टाइप के मोस्ट ऑफ दी इंक्यूबेटर्स रहते हैं, वो आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे या फिर आपकी कंपनी में इक्विटी वगैरह बस 1% इस टाइप का वो मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेटर लेते हैं. कुछ इंक्यूबेटर मतलब लेते भी नहीं है इक्विटी भी. तो आपको सबसे पहले इंक्यूबेटर के पास जाना चाहिए, वहाँ से आपको सभी चीज़ें लाइक एसेसिबल एक जगह से होगी. तो लाइक सबसे पहले आपको वो करना है और फिर धीरे धीरे जैसे आपको और फंड्स की लाइक रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले अगर आपका कॉलेज अलुमनाई नेटवर्क अच्छा है तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन आपको फंड कर सकता है, या फिर आप वहाँ पे कुछ ईमेल्स लोगों को आप कर सकते हो कि सर आई एम डूइंग दिस, लाइक आई नीड दिस मच ऑफ क्वांटम ऑफ फंड, सो कैन यू हेल्प मी. तो आप अलुमनी को भी अपने लाइक अप्रोच कर सकते हो. तो कॉलेज में ही आपको इनिशियल्स कॉलेज के बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. और सपोज आपका कॉलेज इस लेवल तक है नहीं है कि अलुमनी आपका नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है या फिर, तो आप एक्सपोज में जाके या फिर एग्जीबिशंस में जाके वहाँ पे आपका स्टार्टअप आप एग्जीबिट कर सकते हो, या फिर स्टार्टअप की कॉम्पिटिशन्स होती है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए पिचिंग कॉम्पिटिशन चलती है. तो इंडिया में लाइक बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स इसकी चलती है जिनका प्राइज मनी 1 लाख 2 लाख इस टाइप का प्राइज मनी सीधा सीधा रहता है, और ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहती नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि जो स्टेट आउट ऑफ कॉलेज स्टार्ट करते हैं. तो आपको कॉलेज कॉम्पिटिशन स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स या फिर एग्जीबिशंस इनके थ्रू आपका इनिशियल फंड लाइक इकट्ठा हो जाएगा. सो गवर्नमेंट स्कीम, रिसेंटली आपने भी कोई गवर्नमेंट स्कीम में लाइक यू एंटर्ड एंड वोन ना, राइट? यस यस यस. तो यस, हमारा लाइक स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिला था. ओके, तो वी आर अमंग द फ्यू स्टार्टअप जो कि कॉलेज स्टूडेंट बेस्ड था और हमें वो फंड लाइक मिला था. तो उसके लिए हमने लाइक अट्रैक्शन, एक साल से हमने ट्रैक्शन बिल्ड किया अच्छा खासा, कस्टमर बेस बिल्ड किया या फिर हमारी कम्युनिटी पे हमने अच्छा काम किया. तो ये चीज़ें हमारी उनको जाके हमने पिच की. और फिर हमारा लाइक उनका प्रोसेस रहता है कि आपको 3 इंक्यूबेटर्स को जाके पिच करना रहता है. सो 3 ऑफ अगर किसी को आपकी आइडिया पसंद आए तो उनके थ्रू आपको फंड मिलता है. सो हमारा वहाँ पे हुआ था. तो या इंडियन गवर्नमेंट इज़ रियली ट्राइंग टू लाइक सपोर्ट स्टार्टअप बहुत सारी स्कीम, या फिर 2014 आप जब से मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है कि स्टार्टअप इंडिया या फिर मेड इन इंडिया, ये बहुत सारे इनिशिएटिव ने लॉन्च करके रखे हैं. सो यू मस्ट लाइक यूटिलाइज देम. आप देख सकते हो बहुत सारी स्कीम्स अच्छी अच्छी होती है, तो आपको वो फंड लाइक मिल जाएगा. सो क्या मैं डायरेक्ट सीधा पूछ सकता हूँ लाइक क्या होता है एवरेज फंड गवर्नमेंट से मिलने वाला, आपको कितना मिला था? सो लाइक 10 लाख to 50 लाख तक का आपको स्टार्टअप इंडिया से पर्टिकुलरली मिलता है. okay. और उससे भी बड़े बड़े फंड्स आपको मिल जाएंगे, 1 CR 2 CR 3 CR MSME, बड़े बड़े लोन्स भी आपको या फिर फंड भी आपको वहाँ से मिल जाते हैं. तो हमारी रिक्वायरमेंट लाइक 30 लाख की थी, तो हमने वहाँ से 20 लाख हमने रेज किए थे. 20 लाख वहाँ से रेज किए थे? यस. अच्छा, नाइस. सो फिर वो 20 लाख मतलब ये अमाउंट पे आप कैसे पहुंचते हो? लाइक अभी मेरा इतना इतना यूजर बेस हो गया, ये मेरा ट्रैक्शन है. यस यस. इतना इतना मेरा प्रोडक्ट बिकता है. यस. बट ये मतलब ये तो सारा बिक गया, राइट? सो वो नंबर्स के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हो क्या कि अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स या नेक्स्ट 2 ईयर्स में मेरे को इतना इन्वेंट्री लगने वाला है, उसके लिए मुझे इतना पैसा रहेगा, ऐसे? राइट राइट. जो लाइक मंथली ग्रोथ अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा कि मंथली ग्रोथ मेरी क्या आ रही है और मुझे लाइक कितना मैन पावर लगेगा, या फिर मुझे मार्केटिंग इस लेवल तक लेके जानी है तो मुझे इसके लिए क्या करना रहेगा, या फिर मुझे इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है. तो उस हिसाब से अपन लाइक अपने को समझता है कि टीम इतनी इतनी एक्सपांड एक साल में होने वाली है, तो लाइक मुझे एक बंदा हायर करना है या 2 बंदे हायर करने हैं, उसके लिए 10-20 लाख, या फिर मार्केटिंग के लिए 5 लाख, या फिर ऐसी चीज़ें फिगर आउट करके अपन आंकड़े तक पहुँचते हैं.
तो गवर्नमेंट भी लाइक डिटेल में देखती है कि सच में रिक्वायरमेंट इतनी इनको है क्या, इतना क्वांटम इन्हें लगेगा क्या फंड्स का, तो उसी हिसाब से वो लाइक आपको पैसे देता है. और उनके लिए भी लाइक पर्टिकुलर माइलस्टोन बेसिस पे वो पैसे देंगे. सपोज आप एक माइलस्टोन रीच करते हो तो तभी आपका अगला फंड का क्वांटम जो रहे वो आएगा. सो स्कीम लाइक स्टार्टअप इंडिया स्कीम सही है काफ़ी. ओके, मतलब एक इनिशियल अमाउंट जो अपने को दिया गया है गवर्नमेंट से, मतलब जो प्रॉमिस किया गया है, तो फिर उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि तुमने ये नंबर सेट करने चाहिए. राइट इन गिवन सर्टन क्राइटेरियाज. मतलब अगर तुम कंटेंट वाला बिजनेस चलाते हो तो 6 महीने में तुम्हारा इतना व्यूज आना चाहिए या फिर इतने फॉलोअर्स होने चाहिए तो हम अगला फंड तुमको इशू करेंगे. राइट या फिर नहीं. राइट, अगर ये हिट नहीं होता है तो फिर नहीं. हाँ, लाइक वो सपोर्ट करते हैं, लाइक उनको भी बताया कि स्टार्टअप है, लाइक इन लोगों ने ट्राई किया इतना इतना, लाइक उसके 70% या फिर 60% भी आप एग्जीबिट करते हो तो अगला वो ट्रेंच आपको रिलीज कर देते हैं. सो मतलब थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो सकता है. राइट लेकिन सपोर्ट करते हैं. आपको भी लाइक काम दिखाना होता है तभी जाके लाइक सपोर्ट करते हैं. सो अभी जो सबसे हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है AI. यस, सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम्हारे इंडस्ट्री में AI का क्या रोल रहेगा? यस तो हाँ, जैसे कि लाइक हर एक इंडस्ट्री में AI लाइक डोमिनेट कर रहा है. तो ई कॉमर्स सेगमेंट या फिर मार्केट प्लेसेस, इन सभी इसमें तो AI लाइक इज गोइंग टू प्ले ह्यूज रोल. तो AI हम भी लाइक स्टार्टिंग से भी हमने फोकस किया था कि हम भी लाइक उसमें डालें. तो हमने भी लाइक उसका प्लान आउट या फिर डेटा हमने इकट्ठा करना या फिर उस पर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया था. तो पर्टिकुलरली AI में एक ई कॉमर्स सेगमेंट में AI का पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा जो यूज़ अभी चलता है कि वो आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली देगा. आपको सपोज आप फूडवेज पे लैंड करते हो तो हमारे इस पे भी आपको दिखेगा कि आपको पूछेगा कि व्हाट इज योर करंट वेट, आपकी हाइट, आपका फिटनेस गोल या फिर आपकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री. तो 3-4 क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे और आपके ये क्वेश्चन ईयर जानने के बाद आपको सीधा सीधे रिकमेंडेशन प्रोडक्ट आपके जो विजन में आएंगे वो वही प्रोडक्ट रहेंगे जो कि आपके लिए सुटेड है. बाकी वो प्रोडक्ट अपने आप लाइक फिल्टर आउट हम कर लेंगे. तो ये पर्सनलाइज रिकमेंडेशन वाला जो है तो ये ई कॉमर्स में काफ़ी लाइक डोमिनेट करेगा आगे चल के. कि लोगों के लिए क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो. तो ये बाकी तो और बहुत सारे एप्लीकेशंस तो यार, जैसे जनरल स्टार्टअप में हमारे तो बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है. ChatGPT हुआ या फिर लाइक बहुत सारा लोड काफ़ी कम कर देता है, जैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट प्लान करना या फिर सभी चीज़ें. तो AI लाइक गोना प्ले ह्यूज रोल. सो ऐसा नहीं है कि मतलब एक आदमी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है एंड एल्गोरिदम से थोड़ा कम? यस. सो लाइक अभी आप तो कंसल्टेंसी भी करते हो ना? राइट सो यू प्लान अ लाइक वर्चुअल मीटिंग की वो AI थ्रू होता है, मतलब AI ही बात करता है या फिर आप डायरेक्टली बात करते हो आपका कंसल्टेंट यूज़ करके? सर, तो हम लाइक डायरेक्टली बात करवाते हैं. एक्सपर्ट हमारे रहेंगे. Okay. और डायटिशियंस या फिर न्यूट्रिशंस तो बंदा रहेगा प्रॉपर. वो आपको गाइड करेगा सीधा फेस टू फेस, आपका मीटिंग उसके साथ रहेगा. तो अभी AI में जैसे आपने बोला कि पर्सन टू पर्सन अपन ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर इरर का मतलब चांसेस काफ़ी कम होते हैं ह्यूमन लाइक, क्योंकि AI के लिए बेसिक चीज़ जो है AI की, उसके लिए डेटा बहुत आपको चाहिए. राइट. कि आपको बहुत ह्यूज कस्टमर बेस का आपको जब डेटा रहेगा तभी जाके आपकी एक्यूरेसी उस पॉइंट तक जाएगी. तो हम मैन्युअली अगर चीज़ें होती है या फिर एक्सपर्ट के थ्रू होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ ये लाइक एक्सपर्टीज वाली फील्ड है, तो इसमें कोई अपन चांस ऐसे ले नहीं सकते कि कोई किसी को गलत रिकमेंडेशन चला जाए और वो खरीद ले बंदा और उसको साइड इफेक्ट हो. तो ये चीज़ काफ़ी लाइक हानिकारक हमारे लिए या फिर कंपनी के ग्रोथ के लिए हो सकती है. तो इसके लिए हमने सीधा सीधा न्यूट्रिशनिस्ट आपको आएंगे और वही आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे. तो ये हम चीज़ें करते हैं. राइट. AI को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए ना? राइट. एक सर्टन एक्यूरेसी अचीव करने के लिए. और हेल्थ केस में अपन ये नहीं कर सकते. राइट. कोई भी चांस ले नहीं, कोई चांस नहीं ले सकते. राइट. सो इसलिए फिर फिजिकली मतलब वर्चुअल मीटिंग है लाइक राइट विद अ फिजिकल आदमी या कोई राइट उससे बात करे तो दैट विल बी बेटर ना? राइट. अच्छा. एंड अभी मंथली क्या रेवेन्यू होता है आपके कंपनी का? यस. तो मंथली हमारा 6 फिगर ईयरली. यस. तो मंथली हमारा 6 फिगर का रेवेन्यू अभी चल रहा है. ओके. लाइक हमने स्टार्ट किया था तो काफ़ी कम हमारा था पहले मैंने, फिर हमने अच्छी ग्रोथ, जैसे कस्टमर आते गए ग्रोथ हमारी होते गई 25% 30% के आसपास हमारी मंथली ग्रोथ अचीव करी. और धीरे धीरे फिर हमारा अभी रेवेन्यू काफ़ी एक अच्छा स्टेबल और ग्रोइंग फेज में लाइक आ चुका है. ओके. यस. एंड अगर ईयरली देखा जाए तो फिर? तो ईयरली लाइक प्रोजेक्टेड है हमारे सेल्स की इतने इतने आएंगे. हम लाइक 60 लाख का प्लस हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड. तो वो तो अभी एक्सपेक्टेड है, उससे लाइक टच हमें करना है. ओके.
नाइस। कभी आपने सोचा नहीं क्या शार्क टैंक वगैरह जाने के लिए? हाँ, हमने सोचा, मतलब अभी शार्क टैंक यार मार्केटिंग के लिए काफ़ी सही चीज़ है। ओके, आपको वहाँ से लाइक फंड मिले या ना मिले वो तो बात की चीज़ है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लाइक मार्केट हो जाता है कि ये टीयर थ्री टी हमारा जो मार्केट सेगमेंट है, यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा वो देखते हैं, तो अगर जाके पिच भी हम कर लें तो एक बहुत तगड़ी मार्केटिंग हमें वहाँ से मिल सकती है। तो हमने इसके लिए अप्लाई किया था पिछले सीज़न में, तो दो राउंड्स लाइक उसका प्रोसेस होता है, चार राउंड्स तक वो चलता है। तो सबसे पहले वो आपको फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद दो मीटिंग्स चार दो तीन मीटिंग्स आपकी होगी। तो हमारा लाइक दो राउंड्स तक हुआ था, फिर उसके बाद हम लाइक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कि सीज़न वन में तो लाइक हमारा ज़्यादा था नहीं, हमें भी आइडिया नहीं था कि इतनी इतनी चीज़ हो रही है, लेकिन सीज़न टू में हमने लाइक अप्लाई किया था। ओके, तो अभी हाँ सीज़न थ्री में भी ट्राई करेंगे हम, तो देखते हैं अभी। लाइक क्योंकि मास पब्लिसिटी बहुत मतलब इफेक्टिव है शार्क टैंक की, क्योंकि इतने लोग अभी अचानक से एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में पड़ गए। राइट तो लोग देखते हैं प्रोडक्ट अच्छे से, मार्केट अपना हो जाता है कि कस्टमर्स जैसे अभी देखोगे आप तो कुछ है हमारे कनेक्ट्स लाइक फाउंडर्स, सात आठ फाउंडर्स में रहे जो कि लाइक शार्क टैंक में जाके आए, अपने पुणे के भी बाम्बू इंडिया करके है। okay. या फिर गुड़गांव हमारे बरोसी दो तीन हमारे काफ़ी क्लोज है, तो उन लोगों का उन्होंने हमें स्पाइक दिखाया था कि लाइक प्री शार्क टैंक और पोस्ट शार्क टैंक, तो उनमें लाइक लगभग 5 times, 6 times, 7 times, 10 times तक का इंक्रीज रेवेन्यू में सीधा सीधा था। ओके, कि 1 लाख से सीधा 10 लाख की छलांग लोग रेवेन्यू में वहाँ से जाके लगा रहे हैं। अगर आप वहाँ जाके अच्छे से अगर पिच कर पाते हो या फिर लोगों को अपनी वैल्यू आप लाइक दिखा सकते हो कि ये वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो या शार्क टैंक सही है काफ़ी। अच्छा, और मतलब मुझे ये जानना था कि लाइक व्हाट इज़ द नेट कि इतना रेवेन्यू होता है। यस, और इतना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट अपना बनता है। यस यस, सो न्यूट्रिशन के बिजनेस में कितना परसेंट प्रॉफिट होता है तो भी ऑन एवरेज? तो लाइक नॉर्मल आपका D2C अगर ब्रांड रहता है तो उस पर सीधा 50% 60% के आसपास आपकी मार्जिन्स होती है, और वही अगर मार्केट प्लेसेस या फिर एग्रीगेटर पे आप जाते हो कि आप थर्ड पार्टी लाइक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे लाइक अमेजोन एंड वो सब ना, लाइक अमेजोन फूडवेज भी एक लाइक मार्केट प्लेस ही है, तो लाइक 30% से 10% के आसपास उनका कमीशन लाइक रहता है, तो इतने उनके लाइक प्रॉफिट रहते हैं बेसिकली। अच्छा, 15-30% वो जो एग्रीगेटर्स होते हैं या फिर जो थर्ड पार्टी वो होते हैं उनका कमीशन होता है। राइट, 30-10% और 50-60% रहता है D2C ब्रांड। सपोज मेरा खुद का ब्रांड है, वो मैं लाइक ऑनलाइन बेच रहा हूँ या फिर ऑफलाइन कर रहा हूँ, तो 60-70% के आसपास उनके रहता है। ओके, तो जो अपना पीनट बटर जाता है साइड पे वो D2C हो गया सीधा? राइट, वो सीधा D2C हो गया। और जो मसल ब्लेज वाला जो प्रोटीन अपन अपने साइड पे रजिस्टर करते हैं राइट, वहाँ पे वो एग्रीगेटर है। राइट, तो लाइक मैं बता देता हूँ कि फूडवेज हमने लाइक स्टार्टिंग से हमारा पीनट बटर हमने लॉन्च किया था, कि प्राइवेट लेबल हमने खुद का मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर दिया था। ओके, तो उसके पीछे लाइक रीज़न ये था कि लाइक फंड जो थे इनिशियली हमारे पास काफ़ी कम थे, कि कोई हमारे पास लाइक बिजनेस फैमिली से कोई नहीं है या फिर सभी हमल बैकग्राउंड से सभी लोग है, तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग से लाइक हमने जो अभी 1 साल पहले काम किया था तो उसमें हमें पता चला था कि भाई ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल सकता है अच्छे से, तो उस पर हमने काम करके वो स्टार्टिंग से हमने लॉन्च कर दिया था, कि फिर उससे हमें लाइक सर्वाइव करने में हेल्प हुई कि उसका रेवेन्यू हो रहा है, हम और बिजनेस में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। okay. तो इस तरह लाइक प्राइवेट लेबल हमारे लिए लाइक काम कर रहा है, तो स्टार्टिंग से लाइक फंड्स या फिर प्रॉफिट्स मार्जिन हमारे उसके कारण बढ़ी है। अक्सर नॉर्मल स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जो है जिसको बिजनेस चालू करना है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको लगता है कि पैसा ही पैसा होगा। राइट, पर ऐसा होता नहीं है। राइट, लाइक इनिशियली तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रीइन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। राइट, तब जाकर कभी 3-4 साल 5 साल कभी कभी 5-10 साल भी लग जाते हैं, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है जो पेड़ होता है। राइट, फिर उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ भाई आज मैं अगर एक हेल्दी चंक बाहर भी निकालूं तो भी मेरे ऑपरेशंस में कुछ इफेक्ट होगा नहीं। राइट, सो दैट इज द डे जब तुम पैसा बनाते हो। राइट, बट अक्सर क्या होता है कि लोग वहां तक जाते नहीं, लोगों को लगता है कि 1 साल मैंने ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, छोड़ देते लोग। राइट सो क्या टेक है उसके ऊपर? राइट यार, तो लाइक टेक्नोलॉजी बिजनेसेस या फिर स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो रहता है तो उसमें आपको लाइक सर्वाइव करना सबसे बड़ी लाइक चीज़ उसमें होती है, कि आपको बहुत दिन तक बूटस्ट्रैप आपका स्टार्टअप चलना रहता है या फिर आपको ट्रैक्शन या फिर रीइन्वेस्ट करा के रेवेन्यू जो बन रहा है उसका ही लाइक चंक को रीइन्वेस्ट करा के आपको ग्रो धीरे धीरे करना होता है।
तो लाइक पेशेंस काफ़ी लाइक इसमें लगता है, तो 2-3 साल 4 साल 5 साल इतने लग जाते हैं कि आपको हेल्दी है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू बन रहा है या फिर कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी बड़ा है, तो टाइम तो लगता है। यस अच्छा। तो क्विक मनी के लिए लाइक ये चीज़ है नहीं, थोड़ा पेशेंस है उसके बाद फिर है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग यही रखता है बिजनेसमैन है मतलब बड़ा आदमी है या फिर अक्सर लोग क्या करते हैं उनका स्ट्रगल नहीं दिखते, वो 15-15, 20-20 साल से रुके होते हैं और फिर एक दिन उनका पेड़े होता है और फिर उस दिन मतलब सच में वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने 15-20 साल अगर उतना एक्सपेंस किया नहीं कभी लाइफ में तो फिर एक बड़ी गाड़ी खरीद ली तो ऐसा कुछ बड़ा मतलब उनके लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने उतना 15-20 साल उतना स्ट्रगल किया। राइट। बट नॉर्मल लोगों को क्या लगता है कि नहीं आज ये तो कल फिर परसों। यस राइट। एंड लाइक व्हाट डू यू थिंक कि जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो सीधे सीधा पूरा का पूरा ही कंपनी में रीइन्वेस्ट होना चाहिए या फिर वो किसी और जगह भी इन्वेस्ट होना चाहिए, लाइक जो इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन होते हैं अपने, स्टॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सो वो रेवेन्यू तुम वहाँ इन्वेस्ट करके वहाँ थोड़ा बढ़ा के वापस वो कंपनी में जाना चाहिए या फिर होल एंड सोल बस तुम कंपनी पर ही फोकस करो एक टाइम पर। लाइक स्टार्टिंग में तो सजेस्ट करूँगा कि होल एंड सोल कंपनी पे ही उसका फोकस रहना चाहिए क्योंकि अब अगर बाहर जाके आप इन्वेस्ट करते हो या फिर उसके लिए फिर डेडिकेटेड टाइम या फिर आपके एफर्ट्स लगेंगे तो उससे अच्छा है कि आप होल सोल इसमें ही पूरा लगा दो और इस कंपनी पे ही अच्छा फोकस करके आप धीरे धीरे ग्रो करो, क्योंकि आपको उतना लगेगा ही कि इनिशियली आपका बहुत कम रेवेन्यू रहेगा और उसमें का आप अगर आप निकाल रहे हो या फिर सैलरीज या फिर ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आपको पूरा ही पूरा लाइक लगाना होता है स्टार्टिंग में, तो हमारा लाइक एक्सपीरियंस जो रहा है तो हमने तो लाइक वैसे किया था। अच्छा। और ये कि क्या आपका ब्रांड एम्बेसडर है कोई है? हाँ, ऐसा लाइक कोई एम्बेसडर तो नहीं है लेकिन हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिनकी एक अच्छी रीच है या फिर जो हमारे मार्केट सेगमेंट है यहाँ के लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो हम उन्हें रीच आउट होते हैं और उनके लाइक थ्रू हमारा एक अच्छा शाउट आउट हमें मिलता है। और लाइक हमारा मेरी चीज़ आपको बताना रहेगी कि फूडवेज की एक खुद की एक्सपर्ट कम्युनिटी भी है तो उसमें डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर्स है, तो इन लोगों की हमारी इनहाउस कम्युनिटी है जिसमें कि 500+ मेंबर्स पैन इंडिया से हमारे पास है तो इनके थ्रू भी हमारी काफ़ी अच्छी पैन इंडिया रीच है, तो उनके क्लाइंट बेस होते हैं तो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई फूडवेज इज ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन या फिर ये फ्री में मिल रहा है तो आप यहाँ पे आए शॉपिंग करें, तो एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हमें अच्छा खासा कम्युनिटी के थ्रू भी मिलता है। तो स्टार्टिंग में तो पैसे वगैरह काफ़ी कम थे, लिमिटेड, तो हमने ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें करी है कि वेबसाइट का SEO हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट डलता है वो उस पर फोकस किया अच्छे से या फिर कम्युनिटी पे के थ्रू लाइक इन दिस पे ऑर्गेनिकली हमारा अभी तक का रहा है सफ़र। अभी भी हम लाइक करते तो एड्स वगैरह जो चलाते तो अभी हमारे एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है कि ऐसी एड चलाए तो कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अभी हम फिगर आउट ही कर रहे हैं कि लाइक पेड मार्केटिंग या फिर ये चीज़ें, अभी तक तो ऑर्गेनिक ही आप मान सकते हो पूरा। सो अगर मतलब ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं या फिर जो आता है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी वगैरह कुछ पावर होता है तो वो ऐसा एक बड़ा इन्फ्लुएंसर पकड़ता है एंड वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डिलीवर करता है उसके थ्रू। राइट। अच्छा, तो फिर वो बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को तुम टैप करो तो फिर उनके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। राइट। सो लाइक ये क्यों नहीं ट्राई किया कभी, लाइक ऑफलाइन मार्केट ट्राई किया आपने कभी, लाइक फिजिकली एक स्टोर में जा करके अपना प्रोडक्ट रखना? अलॉन्ग विथ माई फिटनेस, अगर पीनट बटर ही हम बात करें तो माई फिटनेस वाला या फिर पिंटोलास वाले के साथ फूडवेज वाला भी अपना कभी ट्राई किया आपने? हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी हम लाइक खुद घूमते थे, राज मैं वैभव सीधा लाइक डिब्बे लेके हम सीधा सीधा जाते थे दुकान फिर उनके बताते कि भाई ये प्रॉफिट है इतने इतने तुझे एक्स्ट्रा मार्जिन माई फिटनेस या फिर ब्रांड से हम दे रहे या फिर तो वो लोग लाइक मना कर देते थे कि मैं क्यों रखूँ वगैरह, तो उनको फिर कन्विंस करके उनकी वैल्यू वगैरह समझा के उन्हें फिर वो फिर फाइनली एग्री होते हैं कि भाई तू बस प्रोडक्ट रख दे, मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, एक बार रिस्पॉन्स दिखूंगा और उसके बाद तुझे पे करूँगा, तो ऐसे लाइक अभी चलता है लाइक मार्केट, कोई आपका छोटा ब्रांड हो या फिर कोई जानता नहीं हो तो हमने वैसे जाके करा, प्रोडक्ट्स रखे मार्ट्स में या फिर सप्लीमेंट स्टोर में तो हमने रखे, तो फिर धीरे धीरे जैसे कस्टमर के रिस्पॉन्सेस उन्हें समझते गए तो वो फिर हमारे लाइक लॉयल कस्टमर बने और धीरे धीरे अभी ऑफलाइन में भी हमारा काफ़ी है, मतलब हमारे एरिया बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट अकोला इस साइड लाइक हमारा अभी ऑफलाइन भी प्रेजेंस है, पुणे में भी है, पुणे में भी साइड है। यस। अच्छा। एंड सो यू गो लाइक अभी तो आपने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह तो आप टैप कर ही चुके हो, सो एक वो तो ऑडियंस बन ही गया। यस। बट फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मतलब वो उसी एरिया के जो टायर 3 टायर 4 होता है, राइट वही ना?
ये सब कि वहाँ के टीयर थ्री टीयर फोर सिटीज के लोग उनसे ज़्यादा जिनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो राइट तो वो लोग भी सीख चलो फिर बैक टू कॉलेज यस अगर अभी मतलब ये भी हो गया कि अगर अभी कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं पास में यस सो अभी अगर आप तो कॉलेज कर भी रहे हो बट साथ में आप बिजनेस भी चला रहे हो यस सो कॉलेज होने के बाद तो एज सच आप कोई कॉलेज वर्क के लिए टाइम तो दे नहीं पाते हो राइट यस मतलब अनलेस एंड अंटिल आप उस दिन अगर बिजनेस थोड़ा आपने होल्ड ऑन किया तो ही आप कॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ राइट या फिर बिजनेस में ही उतना टाइम जाता होगा आई सपोज राइट राइट सो फिर अगर एग्जाम पास में आता है तो आपने कुछ अलग से पढ़ाई करी तो है नहीं यस सो फिर उस टाइम पे कैसा मैनेज करते हो लाइक एग्जाम पीरियड के जो पीएल होता है प्रिपरेशन लीव या फिर उस डेज में यस क्योंकि कॉलेज में तो सबको पता है कि तुम जाते हो कॉलेज में पढ़ते हो बट एट द एंड तुमको पीएल में ही पढ़ना होता है राइट राइट सो फिर उस टाइम पे बिजनेस कुछ हैम्पर होता है या नहीं यस तो यार सबसे पहले तो साला विन आईटी में पीएल वगैरह की टाइप की चीज़ नहीं है अच्छा वो आखिरी दिन तक तुम्हें पढ़ाए गए जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है एक दिन पहले तक वो पढ़ाए गए तो थोड़ा हेक्टिक तो एग्ज़ाम के टाइम पे रहता है लेकिन सभी जैसे लोग हैं सभी कॉलेजेस के लोग पढ़ेंगे तो एक दिन पहले ही तो वैसे ही लाइक हम बैठे हैं दोस्तों के पास जाना टॉपर के पास जाओ नोट्स लो रट्टा मारो दूसरे दिन लिख के आओ एक दिन में पूरा दिमाग ब्लैंक बस वही लाइक प्रोसेस रहती है तो कंपनी का काम फिर एग्ज़ाम के टाइम तो लाइक ऑलमोस्ट हम लाइक छोड़ देते हैं कि मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो राज या सुमित का इनका नहीं रहता है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फिर ऐसे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी संभालते हैं लाइक मार्केटिंग वगैरह मैं देखता हूँ या फिर डिज़ाइनिंग वगैरह राज अगर देखता है तो फिर उसके टाइम मैं थोड़ा देख लूँगा तो इस तरह से लाइक चलता है अच्छा लाइक ज़्यादा टाइम तो बेसिकली रहता नहीं है कि कॉलेजेस में तो हमारे कम एग्ज़ाम है मिड सेम और या फिर एंड सेम दो ही रहते हैं ज़्यादा तो बस लाइक दस दस बारह दिन बारह दिन तक का पीरियड रहता है तो उस दिन पूरा तो लाइक ब्लैंक रहना रहता है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस दिमाग में एक दिन रखना है तो सब चीज़ें भूल के बस वही याद करो रट्टा मारो एग्जाम में लिख के आओ ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स ऐसे ही करते हैं यस सब सब अच्छा सो एक दिन में पढ़ो जो आया हो लिख के आ जाओ बस उसी बेसिस पे तो मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ही सबसे ज़्यादा काम में आता है ना यस यस ओके कॉलेज में आपको क्या बिजनेस सब्जेक्ट्स भी कुछ होते हैं क्या क्या नहीं होल एंड सोल खाली कोर इंजीनियरिंग नहीं हमारे कॉलेज में है काफ़ी दो तीन कोर्सेज काफ़ी अच्छे अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का डेडिकेटेड एक कोर्स है अच्छा अच्छा काफ़ी सही कोर्स है हमारा लाइक मेरे जो मेंटर है शशिकांत सर तो वही वो कोर्स पढ़ाते हैं वो खुद एक लाइक सीरियल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं लाइक 9 से 10 कंपनीज उन्होंने बना के रखी है और अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी से एक्वायर भी हुई है और खुद एक एंजल इन्वेस्टर भी है तो VNIT में तो पर्टिकुलरली वही आके हमें सीधा सीधा पढ़ाते हैं एक हफ्ते में एक लेक्चर उनका रहता है 3 घंटे के आसपास काफ़ी सही लेक्चर रहता है अच्छा यस काफ़ी डिसेंट कोर्स है हाँ IITs में भी काफ़ी मिल जाएगा आपको कि बीट्स में काफ़ी डिसेंट बंदे आके आपको वो कोर्स पढ़ाएंगे तो वो काफ़ी सही चीज़ है और ऑलमोस्ट लाइक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी लाइक सजेस्ट करती है सभी को कि एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स आप रखें तो ऑलमोस्ट अभी सभी कॉलेजेस में आ गए हैं तो सभी लाइक जिन लोगों को एक्सप्लोर करना है उन्होंने तो रजिस्टर करना ही चाहिए उसके लिए राइट 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 एंड अगर अभी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाए यस सो लाइक मतलब फ्री टाइम मिलता है कभी ये सब कुछ करने के बाद भी एज अ CEO फ्री टाइम मिलता है कभी यस यार अभी तो कुछ ज़्यादा लोड नहीं है बस 6-7 लोग की तो टीम है हमारी ज़्यादा ऐसा तो वर्कलोड भी कुछ है नहीं है ज़्यादा तो लाइक हाँ दिन में आराम से मिल जाता है हॉबीज़ परस्यू करने के लिए जैसे गिटार मैं बजाता हूँ या फिर जिम जाने के लिए या फिर नॉर्मल चीज़ें सभी चीज़ों के लिए लाइक टाइम तो मिल जाता है अच्छे से अच्छा यस और स्पोर्ट्स वगैरह कुछ क्या जिम नहीं अभी तो वैसे तो क्रिकेट पसंद था लेकिन अभी तो कॉलेज में जिम है अच्छा तो जिम ही करते हैं बस मैंने अक्सर देखा है कि सब लोग जो 21 साल के तुम हो जाते हो ना फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बहुत कम हो जाता है लाइफ में राइट राइट ऐसा मतलब क्या क्या ट्रांजिशन है ये क्यों होता है ये कुछ आइडिया हाँ तो यार उसका वही कि आसपास के लोग अपने जो कर रहे हैं बचपन में होते हैं तो सभी दोस्त या खेल रहे होते हैं तो अपन भी जाके लाइक खेलते हैं खेलना है वही अगर बड़े जैसे जैसे होते हैं लाइक एंगेज हो जाते हैं लोग कॉलेज स्टडीज़ या फिर करियर में तो धीरे धीरे लाइक ये लोग फिर स्पोर्ट अपना छोड़ देते हैं फिर अपने को लगता है यार स्पोर्ट तो कोई परस्यू कर नहीं रहा है इधर उधर देखते हैं सब लोग खा रहे हैं या फिर बस काम में इन्वॉल्व है तो अपना भी लाइफ स्टाइल लाइक उनसे इन्फ्लुएंस हो गया या फिर धीरे धीरे लाइक देख के पीयर प्रेशर में वैसे लाइक बनता है तो काफ़ी कम लोग जो कि डेडिकेटेड है या फिर पैशनेट है अपने स्पोर्ट के लिए बस वही लोग कंटिन्यू करते हैं बाकी 90% तो लोग छोड़ ही देते हैं लगभग सभी चीज़ें मैंने एक थॉट सुना था या पढ़ा था मुझे याद तो नहीं बट
इट इज़ लाइक कि अक्सर लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए इसलिए फिर हमने हम स्पोर्ट्स नहीं खेलते, बट वो उल्टा है, तुम स्पोर्ट्स नहीं खेलते इसीलिए तुम बड़े हो जाते हो. राइट, एक्चुअली तुम अगर स्पोर्ट्स कंटिन्यू करो तो फिर वो जो चाइल्डिशनेस होता है right. तो वो एनर्जी भी तुम्हारे अंदर होती है, सो वो भी बहुत काम में आती है आगे जाके. exactly. किसी भी तुम पोजीशन पे रहो, कॉर्पोरेट में रहो, एंटरप्रेन्योरशिप में रहो, या फिर तुम सीधा स्पोर्ट्स में रहो. एग्जैक्टली exactly. तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है कि लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी को एक सीरियसली देखना चाहिए. एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मेडिसिन exactly. वगैरह तो काम करते हैं बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना. तो right. अगर पहले से ही ध्यान रखे सो मेडिसिन तक जाने की जरूरत नहीं, या फिर बहुत लास्ट मोमेंट पे तुमको मेडिसिन लेना पड़ेगा तब तक तो तुम right, right. आराम से तुम्हारा बॉडी वगैरह तो संभाल ही लेगा. राइट यार, राइट. तो कॉलेजेस में तो अगर अच्छे कॉलेजेस रहते हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह तो काफ़ी वो डिसेंट प्रोवाइड करते हैं. जैसे IITs NITs में काफ़ी डिसेंट लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे गए, लाइक 40+ स्पोर्ट के कोचेस या फिर ग्राउंड इक्विपमेंट सभी आपको वहाँ पे मिलते हैं. तो वहाँ हमारे साथ तो लोग कच्चा लाइक परस्यू करते हैं. अच्छा, तो अच्छे कॉलेजेस का ये फ़ायदा होता है कि आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी या फिर आपका जो पैशन है वो आराम से आप लाइक परस्यू कर सकते हो. इसीलिए लाइक 11th 12th में अगर अच्छी पढ़ाई होती है या फिर अच्छा आप पेपर डालोगे तो एक अच्छी जगह का यही फ़ायदा रहता है, इकोसिस्टम आपको सही मिलता है. राइट राइट राइट. जिस भी बंदे को अभी मतलब परस्यू करना है या फिर प्रॉब्लम ढूंढ रहा है उसके लिए टिप्स क्या है, मतलब अभी व्हाट आर द टिप्स टू बिकम कॉलेज स्टूडेंट एंड एन एंटरप्रेन्योर अलोंग साइड? यस, तो लाइक एक्सपीरियंस में मेरा शेयर करूँगा कि सबसे पहले आपको एक अच्छी ऑब्जर्विंग आपका नेचर होना चाहिए कि आसपास चीज़ें हो क्या रही है. आप लाइक प्रेजेंस, दिमाग का आपका अच्छा प्रेजेंस हो के आप चीज़ें आपको ऑब्जर्व करती आनी चाहिए कि मेरे पास यार आसपास ये चीज़ें हो रही है, या फिर आपका नोटिस आप अच्छे से आपको सराउंडिंग या फिर आपका इकोसिस्टम जो है उससे आपको अच्छे से करना है कि छोटी आपको चीज़ें लाइक पता चल रही है, या फिर आप अवेयर है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई सोशल मीडिया पे आप चीज़ देख रहे हो, या फिर क्लब्स आपने कोई ज्वाइन करके रखे है तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये चीज़ें मेरे आसपास हो रही है. तो सबसे पहले आपका ऑब्जर्विंग नेचर या फिर ऑब्जर्विंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए कि चीज़ें आसपास मेरे क्या हो रही है. तो अटेंटिवनेस आपका वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है. और उसके बाद है कि जो इनिशियल स्टेप लेना, मैंने लाइक उस पर अच्छे से फोकस किया कि इनिशियल स्टेप आपका क्या होना चाहिए. तो इनिशियल स्टेप, उसके बाद लाइक एग्जीक्यूशन. तो ये 3-4 चीज़ें लाइक इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ओके. तो सबसे पहले तुम ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हारा ठीक करो. राइट. और एग्जीक्यूशन करके देखो, जैसे तुमको प्रॉब्लम मिलता है तुम एग्जीक्यूट करके देखो. राइट. तुमको एक 5-10 दिन के अंदर तो आइडिया लग ही जाएगा कि वो डुएबल है कि नहीं, आगे परस्यूएबल है कि नहीं. राइट. आइडिया बस लाइक दिमाग में ना रखते, उसे थोड़ा बहुत भी ग्राउंड पे अपने उतारा या फिर उस लाइक कस्टमर फीडबैक्स या फिर ट्रायल्स ली, तभी जाके आपको लाइक इनसाइट्स बेटर मिलते हैं. दिमाग में तो सभी लाइक ख्याली प्लॉट्स होते हैं, तो अपन सोचते कि ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा. तो उससे बेटर है कि आप ग्राउंड पे जाओ, आप बात करो लोगों से, या फिर आप MVP आपका लोगों को ट्रायल दो, या फिर ऐसी चीज़ें करो. ओके ओके, राइट. एंड अभी और 2-3 क्वेश्चन ही है मेरे, ज़्यादा नहीं. एक द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आज तक कुछ मिला होगा, बस एंटरप्रेन्योर में ही नहीं बट लाइफ इन जनरल में, कि ये बहुत ज़्यादा मुझे काम में आया या फिर ये बहुत हिट कर गया, ऐसा कुछ? यस. तो हाँ, तो 7th-8th में लाइक मैं पढ़ता था अब्दुल कलाम की बुक अग्निपथ में पढ़ता था, तो उन्होंने काफ़ी उसमें फोकस किया था कि आप लाइक सपने बड़े देखो. तो वही अगर लाइफ में आपके लाइफ गोल्स आप अच्छे रखोगे या फिर बड़े आप रखोगे, एक अच्छे राष्ट्रभक्ति या फिर आपके अच्छे गोल्स अगर रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप उस पाथ पे चलते या फिर आपको चीज़ें ऐसी मिलती जाएगी कि आपका विजन आपको धीरे धीरे अचीव हो. तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अच्छे सपने देखने चाहिए और एक नेशन बिल्डिंग का आप में स्पिरिट होना चाहिए. ओके, यस. एंड द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस? वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस तो यार ऐसा कोई मिला नहीं है आज तक, तो मतलब किसी ने ऐसा शेयर किया नहीं है तो. बट क्या हर एक एडवाइस लेना चाहिए? तुमको एडवाइस तो बहुत सारे मिलते रहेंगे, सभी को मिलते हैं, बट क्या हर एक एडवाइस तुमने परस्यू करना चाहिए, मतलब अगर तुमको कुछ मिला है तो? राइट राइट. मतलब होता ऐसे है कि एडवाइस अक्सर अपने उम्र के या फिर उनके अपने से बड़े लोग वहाँ से ही मिलता है. राइट राइट. सो अपने को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख लिया या फिर उसके ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए वो उस डोमेन के हिसाब से बोल सकता है, बट क्या वो अपने लाइफ पे एप्लीकेबल है कि नहीं? हाँ नहीं, लाइक ये कंपलसरी नहीं होता कि उसको जो लाइक उसके जो लाइफ पे एक्सपीरियंसेस रहे या फिर उसकी जो जर्नी रही है वो आप पे सीधा सीधा एप्लीकेबल हो.
तो आपको बस लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना है कि गलतियाँ आपकी आपको मिनिमाइज करनी है, आपकी गलतियाँ आप लाइक पूरे जीरो तो नहीं कर सकते, बस गलतियाँ मिनिमाइज आपको करनी है और उसके लिए आपको लोगों के एक्सपीरियंस सीखने की लाइक सपोज थर्ड ईयर इस बंदे ने बर्बाद किया है कॉलेज का तो इसके ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये आपको ऑब्जर्व करके अपने इसमें अप्लाई करना कि नहीं मुझे थर्ड ईयर में एक अच्छा हार्डवर्किंग बंदा बनना है या फिर मुझे अभी प्लेसमेंट की तैयारी करनी है या फिर मुझे ये चीज़ करनी है right. तो इस टाइप की चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके अप्लाई करनी चाहिए। तो सजेशंस तो आई गेस सबके लाइक लागू आपके ऊपर होते नहीं है, तो एक्सपीरियंस से सीख के आपकी गलतियाँ मिनिमाइज करना, तो यही आप आई गेस चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, एंड टू सम इट अप, मतलब जस्ट आई नीड अ वन वर्ड आंसर कि यस अभी तक लाइफ जितनी हुई यस तो उसको कैसा डिफाइन करोगे लाइक वन वर्ड में, जितना 20-21 साल 22 साल जितना आप यस अभी लाइफ स्पेन हो गए, एक सिंगल वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है सो सिंगल वर्ड तो मैं लाइक एडवेंचरस ही उसको बोलूँगा कि अच्छे एडवेंचर रहे कि 10वीं तक था मैं लाइक आश्रम स्कूल में था, वहाँ से एक अच्छे संस्कार वगैरह लेके हम आगे बढ़े थे। 11-12 की जर्नी काफ़ी लाइक ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स, जेई की आप प्रिपरेशन करते हो या IIT की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे, तो अभी भी लाइक अभी स्टार्टअप की इसमें आए तो यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें, यहाँ पे लाइक एडवेंचर जैसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो लगातार एडवेंचर ही right. एडवेंचर बोल सकते हो। एंड आई सी एज एडवेंचर। एंड आगे के जो बचे साल है यस, सो व्हाट डू यू थिंक उसको अगर एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो कैसा होना चाहिए? उसको भी मैं एडवेंचर ही रखना चाहूँगा कि लाइक फिक्स तो चाहिए नहीं कि ये चीज़ें हो रही है या फिर okay. बच्चे रिटायरमेंट, इस टाइप की लाइफ सामने नहीं दिखनी चाहिए कि एडवेंचर में उसमें लाइक पसंद करूँगा कि इट्स शुड बी एडवेंचरस, ताकि मैं लाइक खुद का पोटेंशियल पूरा दे सकूँ या फिर मेरा पूरा पोटेंशियल मैं ट्राई कर सकूँ। चैलेंज लाइक चाहिए ही चाहिए। राइट 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 यस। चलो फिर ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे भी, एक्सपीरियंस शेयर करके। चलो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। यस जरूर जरूर।